जल संस्थान, जल पे निगम, बड़ी सारी स्कीमें हैं, एक स्वजल की भी है। ग्रामीण यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं ना, अभी यहाँ ऊपर तक जाकर उन्होंने पानी लगा के आए, इनके गांव में पानी नहीं आ रहा था। कई दिनों से लगातार फोन कर रहे थे किसी को कोई आएगा। भाई साहब आज खुद ही आपने पीड़ा उठाया कि हम ही लगा के आएंगे। देखो सर, खुद हम साल भर होगा इस लाइन पर चलते चलते, किसी विभाग ने, किसी ने, प्रधान ने हमारा कोई वो किया हुआ माना ही नहीं। यहाँ पर अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, लॉज के लिए ये पानी जा रखे है। आम ग्रामीण पूछो है कि बगैर पानी का है? हमारे गाय भैंस नदी से हम पानी लाते हैं, हमारे गाय भैंस खा जाएंगे, छोटे बच्चे विद्यालय मौत होने के लिए वहाँ रास्ते में कुएं से पानी लाते हैं तब मौत होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और ये हर जगह हो रहा है आजकल। गांव-गांव में आप जाइएगा, लॉज वगैरह के लिए तो पानी मिल रहा है क्योंकि वहाँ से कमीशन शायद ज्यादा अच्छा मिल जाता है, गाँव वालों के लिए पैसा नहीं मिल। देखो आज ताई जी डंडा लेके आ गई है, अब आएगी पाइप लौट जाए आप। गड़बड़ी मशीन बना, गड़बड़ी मशीन बना। पानी नहीं पानी लिया था, पानी पहुंचो। अभी हमें धनी गांव में, धनी गांव है रुद्रप्रयाग जिले के उकीमठ ब्लॉक में, पाटा से थोड़ा पीछे धनी गांव की ये तमाम मातृशक्ति हमारी। आज आपने खुद ही ठहरा, हाँ आप भी जा रखे थे जी? जी सर, जोड़ लिया आप? हाँ, अब एगी एगी पानी एगी पानी तो पानी कौन पर ये जरूर बात है, ये तमाम मातृशक्ति। आप डेली इकट्ठा, आप तो भात बोन टाइम होगी, पानी नहीं उड़ी। ये बड़ी बात है, सोचिएगा जिस व्यवस्था के लिए सरकारी तंत्र में लोगों को तनख्वाहें दी जाती है और वो लोग अपनी सीटों से उठते नहीं है, ग्रामीण महिलाएं खुद जाकर अपना पानी लगा रही है। और ये कई बार सोचिए जोड़ा मैंने, मतलब गर्मियों के समय से ये परेशान है और अब जाके इन्होंने खुद ही जोड़ा है। प्रणाम भैया, हम नदी से लाते हैं पानी, जब यहाँ पानी नहीं रहता है मई जून के महीने, बोर भैंस होता है, सीधा नदी जान पड़ते, छोटे छोटे बच्चे छिन, कभी कभी बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, जब पानी आए था देखो 3000 के तो पानी लगे, 2-3 हजार कर कटी तब पैप लगे, यू नंबर पैप उखाड़ी फोन डाली से। बड़ी बात है इनके पाइप ओणो जुआ एक युवा में तुम रुका जो भाई दामू भी कुछ। हाँ जी सर, ये नहीं बोला। हाँ चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अरे साहब, हमारे पास पानी है, जल संस्थान का पानी बहुत था। हाँ। लेकिन ये पानी चला गया सब लॉजों में। हाँ। पानी की तो बिक्री हो गई। हाँ। हमारे को बिल आते हैं। हाँ। हमारे ये जल संस्थान का पानी है, इस पानी में एनएच यहाँ से एनएच के ठेकेदार ने जो है खड़िया में रोड बनाई है, बोला हम अभी पानी लगा देंगे, पानी नहीं लगाया है, पाइप टूटे हुए हैं। हम किन्हीं व्यवस्था से प्लास्टिक लगा लोगों के पानी लगा रखे हैं, लेकिन क्या हो रही है व्यवस्था अव्यवस्था। यहाँ जो है ग्रामीण खुद हमारे गांव के लिए पानी दिया गया था, धानी गांव के लिए, धानी गांव में क्या हुआ, हमारे भाई बंधु के कुछ लॉज हैं तो इतना पानी है कि वो लॉजों के लिए पूरा नहीं हो रहा, हम आपसी में जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नहीं हो रहा साहब, सब ठीक हो जाएगा। पॉइंट क्या है, सरकार को लेकिन व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। अगर आज यहाँ पर आज लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों के व्यवसाय बढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीजें देनी पड़ेंगी। अभी हर घर जल नल योजना की बात करें तो तकरीबन 8000 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट बताया जाता है, और अगर इसमें से भी फिर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो किस तरह से होगा। है बड़ी नी वो पानी नी पानी पानी सब भी खत्म हुए, वो नए पानी भी 2 दिन पैसा करी करी कट करी थे लगे चो, ये भी नहीं ऊँ दिया चल। अच्छा सुनो तू, कभी आप एप्लीकेशन भी दी लिए पर कभी के भी भागते एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं होनी, कुछ नहीं होनी, हमारे कोई सुनने की नहीं, कोई एप्लीकेशन भी दी लिया अपन कभी। हमारा सॉइल का पानी है, ये गांव वाले बोल रहे हैं कि हर घर हर जल में तुमने पानी भेजा,
हम उस विभाग को बोलते हैं कि हमारे यहाँ किसी विभाग ने हर घर जल का पानी लगाया या नहीं लगाया, लोग हमको हम अगर उनके पास रिकॉर्ड है हमारे पास भेजे, ये मुख गुमराह करके हमको जो है कि धराधम कर रहे हैं यहाँ पर। तीन इसके में हमारे गाँव में पानी की एक सुकुड़िया से आता है, एक नकदा तोप से आता है, एक डुंगरा से आता है, हमारे यहाँ एक लाइन पर भी पानी नहीं आता है। ये बड़ी कुछ बिल देते हैं, एक महीने का 1200 रुपया बिल देता है, तीन लाइन हमारी, एक सुकुड़िया की है, एक डुंगरा की है, एक कुलन पानी की है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ग्रामीण कितने परेशान है सोचिएगा, और आपस में क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो आज वो आपस में ही उलझ रहे हैं। पर इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो विभाग जो पानी नहीं दे पा रहे। तीन तीन लाइनें हैं गांव की, बिल भी दे रहे हैं वो, और तब भी पानी नहीं आ पा रहा है, तो ये सोचने वाला विषय। और सबसे बड़ी बात अजल तो बस क्या हाल चीज, तब ये हाल चीन तो गर्मियों में क्या हाल होगा, वाला होगा अजल पानी। और मतलब यहाँ से नीचे नदी की बात कर रहे हैं तो नदी भी कम से कम भी तो 1-1.5 किलोमीटर बोले तो ये लड़ाई कौन होता है यार, ये जो ये पानी से लड़ाई कौन होता है यार। तो ये जरूर सोचना चाहिए, विषय बड़ा गंभीर है जी। पानी की मात्रा कम है, मतलब कूलर ना पानी नहीं आ रहा है सर, जो मेन पानी था जिसका पेमेंट करते हम लोग, वो पानी आ नहीं आ रहा है गाँव में बिल्कुल पानी वाले। ये जो सोयर की लाइन है वो जामू से आ रखी है ना, उसमें पानी आता टैंक से, उसमें डिस्ट्रीब्यूट से नहीं हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जो बात फैक्ट है वो इस तरह से है कि गांव में पानी पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब जिसको मिल रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मेरे यहाँ स्टोर पूरा हो जाए, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कटान हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतभेद हो रहा है। लेकिन पूरी की पूरी अगर मैं गलती मानूं तो कहीं ना कहीं जल विभाग या जितने भी ये निगम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके स्वजल वाले हों चाहे पेयजल वाले हों या जल संस्थान वाले हों, इनको आकर देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।